नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस स्किल्स सुरक्षा एकेडमी में। मेरा नाम है आनंद मिश्रा और मैं आपके लिए लेके आया हूँ मध्य प्रदेश के समस्त संभाग और जिलों की विस्तृत जानकारी, जो आपको एमपीपीएससी मेंस व्यापम के किसी भी एग्जाम में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अगर आप कहीं भी किसी फैक्ट में कोई फैक्टुअल मिस्टेक पाते हैं तो आप मुझे फेसबुक या फिर जहां पर भी हो सके यूट्यूब के ऊपर अपडेट जरूर करें, क्योंकि मैं 3-4 बुक यूज कर रहा हूं, कभी कभी गलतियां वहां पर होती हैं, तो परफेक्शन कहीं नहीं है। जो गलती होगी उसको सुधार किया जाएगा और आपको बताया जरूर जाएगा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगले 1.5 महीने में आपको एमपीपीएससी की सबसे बेहतरीन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहीं से प्राप्त होगी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं आज की क्लास 17 में, नरसिंहपुर एवं सिवनी जिले के बारे में बात करते हैं। जिला नरसिंहपुर, इसका मैप मैंने आपके सामने दिया है। बलथारी यहां पर एक स्थान है, ठीक है, जो राजा बलि की जन्मस्थली थी, ठीक है, और पांडवों ने यहां पर सतधारा निकाली थी। तो पांडवों द्वारा निकाली गई सतधारा और राजा बलि की जन्मस्थली आपकी नरसिंहपुर में है। बोहानी, जो आल्हा उदल के पिता जसराज एवं चाचा बछराज यहीं के राजा थे। आल्हा उदल जो महोबा में थे, पृथ्वीराज चौहान से लड़े थे, बहुत ही वीर पराक्रमी हैं। मैहर की माता शारदा के परम भक्त रहे हैं। आज भी माना जाता है कि वहां पर जाके वो प्रथम वंदना जो माँ शारदा की है वो आल्हा ही करते हैं, अमर हैं आज ये माना जाता है। ऐसे महान सेना नायकों के जो पिताजी थे और चाचा थे जसराज एवं बछराज, वह आपके नरसिंहपुर के राजा थे। गाड़रवाड़ा में यहाँ पर बरगान का मेला लगता है। किशोर जेल नरसिंहपुर में है। किला गोंडराज मदन साहे द्वारा यहाँ पर चौरागढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। गोंडराज जो थे मदन साहे, उनके द्वारा चौरागढ़ किला का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पर बरमान घाट और डमरू घाटी भी है। इसके बाद में बात करूं बरहाटा, यह महाभारत कालीन विराटनगर है। इसको महाभारत काल में विराटनगर के नाम से जाना जाता था, अब उसे बरहाटा के नाम से जाना जाता है। गन्ना अनुसंधान केंद्र बहुत बार पूछा गया है, अनुसंधान केंद्र तो आप सारे याद कर ही लेना, हालांकि मैं एक वीडियो में केवल और केवल अनुसंधान केंद्र ही आपको बताऊंगा दोबारा याद करने के लिए प्री के पहले, और एमसीक्यू सीरीज भी चलाऊंगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अरेंज करूंगा। तो देयर आर मेनी मोर थिंग्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मैं यही कहना चाहता हूं। बाछी जो यहां पर है, महाभारत कालीन कीचक की विशाल मूर्ति यहां पर मिली है, और शंकराचार्य की साधना स्थली जोटेश्वर यह भी यहां पर है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आने वाले या आए हुए फैक्ट्स ये हैं। अन्य तथ्य यदि बात करूं, नरसिंहपुर मंदिर का निर्माण यहां पर जाट सरदार द्वारा किया गया था, जिसमें भगवान नरसिंह की प्रतिमा 18वीं शताब्दी में यहां पर स्थापित की गई थी और इसी कारण से इसका नाम नरसिंहपुर पड़ा। नरसिंहपुर जिला अरहर तुवर दाल के उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान पर है। तो अरहर दाल या तुवर दाल जिसको हम बोलते हैं, सर्वाधिक मध्य प्रदेश में पाई जाती है, वह आपकी नरसिंहपुर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें इसके बारे में, तो ब्राह्मण घाट एक स्थान है जो नर्मदा नदी के मणिसागर घाट पर बना हुआ है। यहाँ पर भगवान ब्रह्मा की यज्ञशाला, रानी दुर्गावती का मंदिर और हाथी दरवाजा तथा बराहे की मूर्ति यहाँ पर मौजूद है। बराहे अवतार भगवान विष्णु के अवतारों में से एक है। जोटेश्वर धाम, यह आश्रम परमहंसी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो जोटेश्वर घाट को ही हम धाम को ही परमहंसी गंगा के नाम से जानते हैं। नरसिंहपुर का यह लोकप्रिय आध्यात्मिक केंद्र जगत गुरु शंकराचार्य जोटेश्वर या जोटेश्वर है, यह जोटेश मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पर लिख गया हूँगा, तो ये जोटेश्वर है। जोटेश्वर और द्वारकाधीश पीठाधीश्वर सरस्वती महाराज से संबंधित रहा है। यह लोकेश्वर मंदिर और हनुमान टेकरी भी है, तो यहीं पर लोकेश्वर मंदिर और हनुमान टेकरी भी है। दमारू घाटी, इस पवित्र घाटी की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर दो शिवलिंगी हैं, एक ऐसा शिवलिंग है जिसके अंदर दूसरा शिवलिंग है, ऐसा यहाँ पर एक स्थान है जिसमें दमारू घाटी में। हिंदी भाषी राज्यों में पहला पूर्णतः साक्षर जिला जो है वह आपका नरसिंहपुर है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियां जो हैं शक्कर दूधी उमर एवं सीतारेवा इसी जिले में बहती हैं। अंशों की ओशो की मान्यता, ओशो जो एक दमोह के एक आपके बहुत बड़े संत रहे हैं, उनकी मान्यता वाला श्री धाम यहीं पर स्थित है, ठीक है। शक्कर उत्पादन में नरसिंहपुर का प्रथम स्थान है, तो तुवर उत्पादन में और आपका शक्कर उत्पादन में नरसिंह जिले का प्रथम स्थान है। यदि मैं बात करूं सिवनी जिले की, तो इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है। अदब जो है लखनऊ की पहचान है, तो मध्य प्रदेश का सिवनी जो है वो इसको उत्तर प्रदेश में लखनऊ की जगह पर मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। नेशनल हाईवे 7 यहां से गुजरता है।
सियोना नामक बहुतायत में उपलब्ध होने वाले वृक्ष के नाम पर इसका नाम सियोनी नामकरण हुआ। इस सियोना की लकड़ी ढोलक बनाने के काम आती है। एक किसी ने मुझसे कमेंट किया है यूट्यूब के ऊपर कि मैं जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनको मैप के थ्रू बताऊं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, नेशनल हाईवेज के ऊपर, एयरपोर्ट्स के ऊपर, सड़क परिवहन के ऊपर, रेल परिवहन के ऊपर, ये पूरा परिवहन का आप ये आपका टॉपिक मेंस में है तो इसको मैं पूरा कवर करूंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 14, 15, 16 में इससे प्रश्न पूछे गए हैं तो मैं आपसे कवर जरूर कराऊंगा इसको, तो आप चिंता ना करो उस चीज की, ठीक है। यहां पर आप देखा जाए मुंदारा में बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल है। लखनादौन शहर काली मूछ चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो काली मूछ क्या है इसको आपको ध्यान रखना है, चावल की एक किस्म है। मावावाटी के लिए भी प्रसिद्ध है आपका लखनादौन, तो लखनादौन की मावावाटी बहुत प्रसिद्ध है। यहां पर आपका काली मूछ चावल भी पाया जाता है। वन विद्यालय भी यहां पर है। बेनगंगा नदी पर बना भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध है। तो बेनगंगा नदी पर बना एक बांध है जो एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध है, यह आपका भीमगढ़ बांध सिवनी जिले में पाया जाता है। पेंच घाटी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, तो पेंच घाटी अभ्यारण आपका यह सिवनी में ही है। वर्गी जो रानी अवंतीबाई या अपर गंगा संजय सरोवर बांध है, यह इसकी प्रमुख परियोजनाएं हैं। दो है यहां पर, रानी अवंतीबाई परियोजना और अपर गंगा जिसको संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, वही भी यहां पर है। नया नाम इसका इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। पेंच घाटी जहां पर मोगली लैंड को डेवलप करने की बात कही जा रही है, जो आपकी जंगल बुक में बताया गया है मोगली लैंड, उसको यहां पर डेवलप करने की बात कही जा रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। और नया नाम जो पेंच घाटी का वो इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारी प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी उनके नाम पर है। अपर तिवारा परियोजना भी आपकी सिवनी जिले में है। अपर तिवारा परियोजना आपकी सिवनी जिले में है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद यदि देखा जाए तो अगले हम इसी तरीके से जबलपुर संभाग आपका पूरा खत्म करके, जबलपुर के बाद में मैंने अभी शहडोल संभाग भी आपका पूरा नोट शेयर कर दिए हैं और थोड़ी देर में मैं आपका रीवा संभाग भी शेयर कर चुका हूं। उसके बाद में बहुत जितने भी आपके नोट्स हैं सारे शेयर हो रहे हैं, तो प्लीज गाइज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोग बेल आइकन दबाना ना सो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आएं वो आपको हेल्प करें। जब नोट्स को आप देखते हैं तो उनको अपने सामने रखें और वीडियो में देखें तो आपका रिवीजन और तैयारी इसी के साथ में पूरी होती चली गई कि आप सिर्फ नोट्स को पढ़ें फेसबुक से, यहाँ पर आएं वीडियो को देखें और आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रह जाएंगी। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।